तो हेलो गाइस, आ चुका है आज एक और नई वीडियो के साथ में। और इस वीडियो में मैं बनाने वाला हूँ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑटोमेटिक वीट फॉर्म। भाई देखते जाओ, काफी नेक्स्ट लेवल होने वाला है। अब ऑटोमेटिक वीट फॉर्म बनाने के लिए सबसे पहले अपने को तो बॉक्सेस लगाने पड़ेंगे, एक बाउंड्री बनानी पड़ेगी, या तो 8x8 की या 10x10 की। तो मैं सोच रहा हूँ 8x8 तो इसकी विड्थ रख लेता हूँ और 10 बॉक्सेस इसकी लेंथ रख लेता हूँ, वो सही रहेगा। बाउंड्री बनाने के बाद सबसे पहले तो इस बाउंड्री को फिल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं वहाँ बाउंड्री बनाता हूँ, फिल करता हूँ, फिर बाद में मिलता हूँ। सबसे पहले अपने को ऑटोमेटिक फॉर्म बनाने के लिए यहाँ पे एक स्टोन की लंबी सारी लेयर बनानी पड़ेगी। तो इसकी जो विड्थ है वो है 10 बॉक्सेस की। तो ये सब करने के बाद फाइनली मेरे को अब एक बॉक्सेस छोड़ना है और सेकंड वाली बॉक्स में डबल लेयर का एक गड्ढा बनाना जो कि लास्ट तक जाएगा। तो फिर बाद में इसको मैं क्या करना पड़ेगा, इस गड्ढे को डबल डबल लेयर तक मेरे को खोद देना है लास्ट तक। फिर इसके अंदर मेरे को लगानी पड़ेगी एक पिस्टन, और पिस्टन लगाने के बाद भाई वही काम करेगी अपने रिजर्वायर का। तो फिर लास्ट वाली जो लेयर बची है, अब इस लेयर के अंदर मेरे को लगाने हैं ये प्लैंक जो होते हैं वुड प्लैंक, ताकि यही तो भाई वाटर को रिजर्व करेंगे, यही तो ऊपर नीचे आएंगे, पिस्टन इन्हीं को तो ऊपर दिखेगा। तो ये सब काम करता हूँ फाइनली, और फिर लास्ट में आपको मिलता हूँ। तो अब मेरे को क्या करना होगा, मैंने जो ऊपर पिस्टन्स लगाई थी उन पिस्टन को कनेक्ट करना होगा रेड डस्ट स्टोन से, ताकि क्या होगा फिर जो रेड डस्ट स्टोन है उसको मैं लेके जाऊंगा इस फार्म के एंड पे, और एंड पे मैंने लगा रखा होगा एक लीवर। तो जल्दी से मैं सबसे पहले तो रेड डस्ट स्टोन इन सारे से जो पिस्टन इनसे कनेक्ट करता हूँ, और फिर बाद में कनेक्ट करके आपको लास्ट में मिलता हूँ मैं। तो अब ये लास्ट बकेट डाल देता हूँ मैं इसके अंदर, और फाइनली अब अपन अपने जो ऑटोमेटिक फार्म है उसको चेक करने चलते हैं वहाँ पे जो लीवर लगा हुआ है। और मैं यही होप करता हूँ भाई इतने जो मैंने मेहनत की वो बेकार नहीं जाए, तो एक बार चेक करके देख ही लेते हैं अपन। तो फाइनली गाइज अपना जो फार्म है वो मतलब काफ़ी ज़्यादा सही तरीके से काम कर रहा है। तो अब मैं फाइनली इसको फार्म वार्म बनाता हूँ, इधर बकेट वकेट से पानी वानी भरता हूँ इसके बगल में, और फिर बाद में अब आपको मैं डायरेक्ट लास्ट में मिलता हूँ अपना पूरा। फाइनली मैंने ऐसी कैलकुलेशन लगा के एक तगड़ा सा फार्म तैयार कर दिया, अब इसकी टेस्टिंग देखते हैं। मैंने काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेशन लगाई थी, वैसे तो इसमें प्रॉपर काम करना चाहिए, और फाइनली अपना जो फार्म है वो प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। तो फाइनली मैं क्या करता हूँ, दो होपर को यहाँ रख लेता हूँ और दो ही चेस रख लेता हूँ। तो एक होपर में लगा देता हूँ जस्ट यहाँ पे, लेकिन एक प्रॉब्लम हो जाती है, इससे वाटर फ्लो रुक जाता है मेरा, और दूसरा होपर जस्ट इसके बगल में लगा देता हूँ, दोनों चेस्ट को यहाँ लगा देता हूँ। अब इस वाटर फ्लो की मेरे को मतलब कैलकुलेशन ही बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी, तो इसको तो छोड़ो, चलो पहले मैं इसमें देखता हूँ इस होपर में अगर मेरी बकेट आती है तो मेरा मतलब कैलकुलेशन बिल्कुल प्रॉपर काम कर रहा होगा। तो मैं जल्दी से जाता हूँ और इस बकेट को जल्दी से नीचे ड्रॉप करता हूँ, और फिर जाके देखता हूँ अपनी चेस्ट में बकेट आई है या नहीं। तो जल्दी से चलते हैं, अंदर चलते हैं, नहीं तो मेरी पूरी कैलकुलेशन मेरे को वापस लगानी पड़ेगी। तो बकेट तो अंदर तो जा रही है, लेकिन पता नहीं ये कहाँ तक जाएगी, अपना काम भी करेगा या नहीं। तो जल्दी से अंदर चल के चेस्ट में देखते हैं आई है या नहीं। तो गाइस चेस्ट में तो ये बिल्कुल भी नहीं आई है, पता नहीं कहाँ से हो गई। तो अच्छा होपर में पड़ी हुई है, लेकिन मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा कि होपर में कैसे आई, आनी तो इसको चेस्ट में चाहिए थी। पूरी कैलकुलेशन लगता है मेरे को वापस से करनी होगी। बस फाइनली मैं अपने 2 दिन की मेहनत को टेस्ट करने जा रहा हूँ, बस यही होप करूँगा मैं भगवान से मेरा जो ऑटोमेटिक फार्म है, मशीन है जो भी है, वो ठीक से काम करे। मतलब कैलकुलेशन के हिसाब से जो सीरियल्स वगैरह है वो तो ठीक से नीचे आ रही है, और मतलब शायद होपर में भी जा रही होगी, आई होप सो। लेकिन जहाँ पर वाटर फ्लो नहीं है ना वहाँ पर ये स्टक कर गई साली। तो एक बार फाइनल इसको अंदर जाने देते हैं, फिर एक बार इकट्ठा अपन अंदर जाके देखेंगे आता है या नहीं। ऊपर के ऊपर तो पड़ा हुआ है,
चेस के ऊपर भी पढ़ा हुआ है, लेकिन भाई चेस के अंदर नहीं जा रहा, कहीं ना कहीं तो मुझे लग ही रहा था कैलकुलेशन मिस्टेक होगी, पक्का होगी। तो गाइज ये पता नहीं क्यों नहीं जा रहा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि क्या प्रॉब्लम हो गई, क्या कहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई। तो यही थी आज की वीडियो, होप सो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो लाइक मारना, अगर नए हो तो सब्सक्राइब मारना, ऐसे इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।